खरगोन शहर की प्रतिष्ठित थोक किराना व्यापारी एवं दामखेड़ा शिव डोला मंदिर समिति अध्यक्ष नवनीत भंडारी से करीब 20 दिन पहले नागा साधु बनकर सोने की चेन हड़पने वाला गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस जांच में आरोपित अंतर्राज्यीय गिरोह निकला, जिससे देश के कई राज्यों में इस तरह के वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने व्यापारी से हड़पी गई चेन बरामद कर ली है। घटना को गंभीरता से लेकर टीमें गठित करके आरोपितों की तलाश शुरू हुई है। इस दौरान मध्य रात्रि को मुखबिर की सूचना पर उक्त कार को नवग्रह मंदिर तिराहे पर चेकिंग के दौरान पकड़ा गया, जिसमें किशननाथ निवासी करनसनपुरा जिला खेड़ा गुजरात प्रकाश अर्फ खाते सवार थे। दोनों को थाने लाकर सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि वे साधु का वेश धारण कर लोगों को ठगते थे। इनसे पाउडर, भगवती सिंदूर, कंकू आदि जब्त की गई। किशन की निशानदेही पर करनसनपुरा थाना कपड़वंज गुजरात से एक सोने की चेन पेंडल सहित कीमत लगभग 2,35,000 रुपए की जब्त करके फोर्ड वीगो कार भी जब्त की गई। आरोपी द्वारा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित राजस्थान में भी घटनाओं को अंजाम देने की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसके बारे में पूछताछ की जा रही है। 70 से अधिक सीसीटीवी फुटेजेस देखे और ये आइडेंटिफाई किया कि एक फोर्ड फीगो गाड़ी थी, जिसमें कि ये लोग आए थे। एक व्यक्ति उसमें नागा साधु बना हुआ था और बाकी एक ड्राइवर था। फिर ये इस गाड़ी को ट्रेस किया गया तो इसका रूट तय किया, फिर मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और पुलिस को सफलता मिली। दिनांक 4 और 5 तारीख 9/4/5/9/2022 को फोर्ड फीगो को हमने पकड़ा। उसमें वो साधु बाबा जो बना था उसको पकड़ा और उसके साथ में एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा। ये बहुत हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, गुजरात के कपड़गंज इलाके के रहने वाले हैं। और इनसे फिर जब पूछताछ की तो शुरू में तो ये पुलिस को जो है चकमा देते रहे, लेकिन अंततः जो पुलिस की टीम ने मनोवैज्ञानिक ढंग से इनसे पूछताछ की और एक टीम गुजरात भेजी गई, उसने भी सघन विवेचना करके वो जो नवनीत भंडारी जी हैं उनकी 4 तोले की चेन बरामद की है। इस मामले में किशन नाथ पिता बाबूनाथ मदारी, उम्र 22 साल, निवासी करसनपुरा थाना कपड़गंज जिला खेड़ा गुजरात, प्रकाश उर्फ खतिया पिता बाबूनाथ मदारी उम्र 22 साल निवासी देहग्राम जिला गांधीनगर गुजरात को गिरफ्तार किया है। इसमें एक नाबालिग था जिसको भी गिरफ्तार किया गया है। ये किशन नाथ जो है एक अंतर्राज्यीय अपराधी है। इसके खिलाफ बड़ौदा शहर में ही इसी तरह के दो अपराध हैं और अन्य जगह पर भी इसके अपराध हैं। सामान्यतः ये लोगों को धार्मिक भावनाओं से झांसे में लेते हैं और उसको इस तरीके से सम्मोहित करते हैं कि वो जो है अपने जो भी बदन में पहनी हुई ऑर्नामेंट्स हैं वो उतार के इनको देता है और रफू चक्कर हो जाता है। इस तरह के एक महत्वपूर्ण अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। दिनांक 12 तारीख तक अभी आरोपी किशननाथ पुलिस रिमांड पर है, उससे पूछताछ की जा रही है। उसके आने जाने के मार्गों को ट्रैक किया जा रहा है। संबंधित थानों में भी हमने सूचना दी है कि यदि इस तरीके का और भी इस तरीके के जो अपराध ये इन्होंने जो अभी प्रारंभिक रूप से पता लगाया है वो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी इनका मूवमेंट रहा है, तो अभी विवेचना की जा रही है, इसमें आगे और भी सफलता मिल सकती है। खरगोन से अपराध पठान की ये रिपोर्ट।